Hello, good morning, India. Monday to Friday, back-to-back classes, live from studio. आज ही subscribe करें Wi-Fi Study channel को. Hello, good morning. Hello friends, welcome to Wi-Fi Study, changing the way of learning. स्वागत है आप सभी का इंडिया के number one study channel Wi-Fi Study में. So दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है daily सुबह 5 बजे Monday to Monday आपको डेली हमेशा एक वीडियो मिलता है जिसमें हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कवर अप करते हैं आपके करंट अफेयर के. उम्मीद है आप इसको अच्छी तरीके से देखते होंगे. सुबह 8 बजे वाला भी काफ़ी एंजॉय करते होंगे, उसमें आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज है जो कि मिलती है. तो इन्हीं दोनों को कंटिन्यू करते रहिए और देश में चाहे कोई सा भी एग्जाम हो करंट अफेयर में आपके अच्छे ही नंबर आएंगे. लास्ट मोमेंट के ऊपर कई सारी किताबें उठाने से बढ़िया है दिन के डेली जो है आधा घंटा दो और अपने नॉलेज को इम्प्रूव करो, जो कि हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी सब कुछ आपके इसके अंदर इम्प्रूव हो जाएगी सुबह 8 बजे वाले में. और क्वेश्चन जो है वो अपन सुबह 5 बजे कर ही लेते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले क्वेश्चन के साथ में देखते हैं आज का क्या है. कल मैंने आपको दिया था क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व के पहले फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है. तो यहाँ पे बात करूँ तो दोस्तों किसने बनाया, रशिया ने बनाया ये फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो रशिया ने बनाया है, आप देख सकते हैं. और ये वर्ल्ड का पहला है. महात्मा गांधी श्रृंखला में RBI द्वारा शुरू करे गए 20 रुपए के नोट का रंग क्या है, बताइए जल्दी से. कल रात जो सुबह 8 बजे जो क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको हर एक के बारे में बताया था. 10 रुपए, 20 रुपए के पीछे क्या प्रिंट हुआ हुआ है, 50 रुपए के पीछे, 100 रुपए के पीछे, हर चीज के कारण भी बताए थे मैंने. यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो हरा सा पीला ग्रीनिश येल्लो आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा. और आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है. और इसके पीछे क्या बना हुआ है, अरोरा केव्स है जो कि बनी हुई. ये पेपर के अंदर सवाल है जो कि पूछेंगे आपसे, मोटिफ पूछेंगे आपसे, ठीक है. रूपांकरण किसका है, उल्टी तरफ. अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस हर साल डैश को मनाया जाता है, इंटरनेशनल डांस डे जो कि 29 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है. तो ये जो है ग्लोबल सेलिब्रेशन है डांस को लेकर और इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट है उनके द्वारा इसको रिकग्नाइज किया गया है पार्टनरशिप में कई सारे यूनेस्को के साथ में. फंक्शन है जो कि पूरी दुनिया में ऑर्गेनाइज करवाए गए हैं. यूनेस्को के बारे में आपको मालूम है दोस्तों, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस के अंदर, ठीक है. हेडक्वार्टर कहाँ पर, पेरिस के अंदर हेडक्वार्टर है. ऑन्ड्रे अभी इसके हेड है, 1945 में फॉर्मेशन हुआ था, ओके. चलिए आगे देखते हैं. शंघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित की गई है. तो SCO डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग के बारे में बात करी जा रही है और ये दोस्तों कहाँ पे, किर्गिस्तान, यानी कि बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा. किर्गिस्तान के अंदर इसको ऑर्गेनाइज कराया गया है. पहले तो ये जानिए SCO के अंदर कौन कौन से मेंबर हैं. शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, नाम शंघाई है लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, SCO का बीजिंग के अंदर है. सबसे पहला कन्फ्यूजिंग सवाल जो कि बच्चों को पता नहीं होता है, सब लोग शंघाई मार देते हैं इसका आंसर. फॉर्मेशन हुआ 1996 के अंदर, 2001 के अंदर फॉर्मेशन हुआ. 8 देश है जो कि इसके मेंबर है. 4 तो बड़े देश हो गए, कौन कौन, इंडिया, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ये तो 4 आप आराम से याद कर लोगे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है. बाकी 4 जो बसते हैं, 2 तो किए हैं, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, एक हो गया आपके तजाकिस्तान, ठीक है, और एक हो गया उज्बेकिस्तान. इस तरीके से 8 देश जो कि इसके मेंबर हैं. यहाँ पे मीटिंग जो है वो किर्गिस्तान के अंदर हुई है. किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्क, आपने सुना होगा किर्गिस्तान की राजधानी क्या है, बिश्क, ठीक है. और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो क्या चलती है, करेंसी चलती है सोम, SOM, सोम यहाँ पे करेंसी चलती है. आगे देखते हैं अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जीता है. अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स दोस्तों दुनिया के सारे बड़े बड़े प्लेयर को हरा के बोटास ने जीती है और अपनी लीड भी इंक्रीज कर ली है, ठीक है. लुइस हैमिल्टन उनके फरारी जो टीम के जो मेंबर हैं, ठीक है, और तो उनसे क्या निकल गए, आगे निकल गए.
ओके, तो ये भी आपको यहाँ पे बात ध्यान रखनी है। ओके, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। लुईस हैमिल्टन की बात करें तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों, लुईस हैमिल्टन बहुत बड़े प्लेयर हैं, यूके के प्लेयर हैं, और फरारी नहीं है, इनकी जो टीम का नाम है वो मर्सिडीज़ है, मर्सिडीज़ से खेलते हैं एक्चुअली के अंदर, है ना। तो पेपर में आता है कौन सी टीम से खेलते हैं, तो मर्सिडीज़ ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, बेल्टन रोड फोरम का दूसरा संस्करण निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था। BRF के बारे में कंप्लीट डिटेल मैंने सुबह 8 बजे वाले में पढ़ाई थी, आपको बताई थी कि अभी मीटिंग हो रही है, 37 देश है जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ तक कि इटली ने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है, भारत अमेरिका ने इसको मना किया है, और बीजिंग के अंदर ये मीटिंग करवाई गई है। ठीक है, बेल्ट एंड रोड कॉरपोरेशन इसका क्या था, विषय था इस साल का, जो कि आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2019 में आशियान समुद्री अभ्यास आयोजित करेगा। एशियान मैरिटाइम ड्रिम्स की बात करिए, एशियान का हेडक्वार्टर जकार्ता के अंदर है, और ये कहां पे करवाया जा रहा है दोस्तों, ये आपको बताना है। देखिए, एशियान मैरिटाइम ड्रिम्स जो है वो शेड्यूल करी जा रही है साउथ कोरिया के अंदर, ठीक है, और उसके बाद में कहां पे, सिंगापुर के अंदर। तो साउथ कोरिया और सिंगापुर, यानी कि आपका जो आंसर होगा यहां पे बी और सी आपका यहां पे सही आंसर होना चाहिए, इसको आपको थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन IEEF वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीती है, किसने जीती है दोस्तों टेबल टेनिस चैंपियनशिप, ये आपको बताना है। और रिसेंटली चाइनीज प्लेयर है मा लॉन्ग, उन्होंने थर्ड वर्ल्ड टेबल टेनिस टूर्नामेंट जो है वो जीत लिया, इनका निकनेम है ड्रैगन। ओके, बहुत ही जबरदस्त खेलते हैं, और बी आपका सही आंसर है, इन्होंने चैंपियनशिप को जीत लिया है। कैनरा बैंक, कैनरा, HSBC, OBC लाइफ ने बीमा उत्पादकों के लिए डैश नामक पोर्टल लॉन्च किया है। तो कैनरा बैंक और HSBC ने दोस्तों लॉन्च किया एक नया पोर्टल, वेब अश्योरेंस इसका बिल्कुल सही आंसर है, जो बैंकिंग के बच्चे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, कैनरा बैंक के बारे में भी पता करना। कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर है दोस्तों वो बेंगलुरु के अंदर, और सुब्बा राव थे जो कि इसके फाउंडर थे, और बैंक की शुरुआत जो है 113 साल पहले हुई थी आज से, ठीक है, आज से 113 साल पहले हुई थी। अभी चेयरमैन मनोज हरन जी है, और MD और CEO कौन है, शंकर नारायण, जो कि अभी MD और CEO है। आगे देखते हैं, हाल ही में नेगासो गिदादा का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। गिदादा की बात करें दोस्तों तो ये कौन से देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, इथोपिया के, ठीक है, तो जर्मनी के अंदर जो है मेडिकल ट्रीटमेंट के वक्त इनका डेथ हो गई, इथोपिया आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, इथोपिया की बात करें तो इथोपिया भी आपको पता होना चाहिए, अडिस अबाबा। ओके, कैपिटल का नाम क्या है, अडिस अबाबा यहाँ की कैपिटल का नाम है, करेंसी क्या चलती है, इथोपियन बिर है जो कि यहाँ पे करेंसी चलती है। ओके, इनका एक रुपया अपने 2 या 2.5 रुपए के बराबर होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, गेहूं पर सीमा शुल्क सरकार ने बढ़ाकर डैश कर दिया है, कस्टम ड्यूटी वीट के ऊपर बढ़ा के कितना कर दिया गया है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये था आज का आपका महत्वपूर्ण सेशन, वीडियो पसंद आया होगा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरीके से आगे बढ़ते चलें। साथ में दोस्तों अनअकैडमी के ऊपर वाईफाई स्टडी का NTPC का कोर्स चल रहा है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये लास्ट कोर्स है NTPC का, उसके बाद में वाईफाई स्टडी का कोई कोर्स नहीं आएगा। तो आप अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पे RRB का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, मात्र 700 रुपये पर मंथ होगा, जिसमें आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं JEE की NTPC की सभी की। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। साथ में दोस्तों साइको का टेस्ट भी आपके लिए स्टार्ट हो रहा है, साइको की जो क्लासेस है वो भी आपके लिए अनअकैडमी के ऊपर आ रहा है, और 2 मई से स्टार्ट हो रही है। तो RRB का सब्सक्रिप्शन लेके आप साइको की क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, मात्र 720 रुपये में। वाईफाई स्टडी कूपन कोड लगा दीजिएगा, साइको भी कर सकते हैं तैयारी, NTPC की भी कर सकते हैं, और साथ में JEE की भी तैयारी कर सकते हैं, समझ रहे हो, मात्र 700 रुपये में सारे एग्जाम की तैयारी कर सकते हो साइको के इंक्लूड करके। ओके, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है वहाँ से। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।